प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र राजकीय महाविद्यालय कोटा के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के अध्याय रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। हमने हमारे पूर्व के अध्याय में रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के प्रकार का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड व्युत्पन्नों पर पाई जाती हैं और ये दो प्रकार की होती हैं, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। और जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिक्रियाएँ एरोमेटिक यौगिकों का अभिलाषणिक गुण है और यह बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन धनी होने के कारण बेंजीन और बेंजीन से बने हुए यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। इसी कड़ी में हम जो दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है वो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आक्रमणकारी स्पीशीज मुक्त मूलक होती है तो अभिक्रियाएं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और इसमें मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। यह अभिक्रियाएं एल्केन में पाई जाती हैं। अधिकांशतः एल्केन जो कि सूर्य के प्रकाश में या अन्य यौगिकों में भी सूर्य के प्रकाश में जब अभिक्रियाएँ होती हैं तो अभिक्रिया के दौरान मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। सूर्य के प्रकाश या कार्बनिक परोक्साइड की उपस्थिति में इस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जब इसकी क्रियाविधि का हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि यह अभिक्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है जो कि तीन पदों में संपन्न होती है। पहला पद श्रृंखला प्रारंभिक पद होता है। इस पद में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन परमाणुओं के मध्य बना बंध समान रूप से विखंडित हो जाता है और हैलोजन मुक्त मूलक बनते हैं। यह हैलोजन मुक्त मूलक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं, इस कारण यह पद श्रृंखला प्रारंभिक पद भी कहलाता है। हैलोजन परमाणुओं पर जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो समांश विखंडन के द्वारा हैलोजन मुक्त मूलक का निर्माण होता है। दूसरा जो पद है वो श्रृंखला संचरण का पद है। श्रृंखला संचरण के पद में प्रारंभिक पद से प्राप्त होने वाले हैलोजन मुक्त मूलक एल्केन पर आक्रमण करते हैं, एल्किल मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं और यह एल्किल मुक्त मूलक हैलोजन अणु पर आक्रमण करके एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं और हैलोजन मुक्त मूलक भी इस अभिक्रिया में बनते हैं जो पुनः एल्केन अणु पर आक्रमण करके एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया दोनों तरफ निरंतर चलती रहती है, अर्थात एल्किल मुक्त मूलक भी बनता है और एल्किल हैलाइड भी बनता है। इस कारण यह अभिक्रिया श्रृंखला संचरण पद कहलाती है। जब किसी एल्केन पर हैलोजन मुक्त मूलक रिएक्शन करता है तो HX का विलोपन होता है और एल्किल मुक्त मूलक बनता है। यह एल्किल मुक्त मूलक पुनः हैलोजन पर रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड बनाता है और हैलोजन मुक्त मूलक बनाता है। इस प्रकार अभिक्रिया नियमित रूप से चलती रहती है। तीसरा जो पद है वो है श्रृंखला समापन का पद। श्रृंखला समापन का पद का अर्थ है श्रृंखला संचरण पद की अभिक्रिया में जब तक चलती रहती है जब तक कि क्रियाकारक अणु उपलब्ध होते रहते हैं। जैसे ही क्रियाकारक अणु समाप्त हो जाते हैं तो मुक्त मूलक एक दूसरे पर आक्रमण करके नष्ट हो जाते हैं और अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। इस कारण यह पद श्रृंखला समापन का पद कहलाता है। इस पद में एल्किल मुक्त मूलक एल्किल मुक्त मूलक से, हैलोजन मुक्त मूलक हैलोजन मुक्त मूलक से या एल्किल मुक्त मूलक हैलोजन मुक्त मूलक से क्रिया करके विभिन्न उत्पादों का निर्माण करते हैं।
इस प्रकार ये जो अभिक्रिया है वो श्रृंखला समापन अभिक्रिया या पथ कहलाती है, और इस प्रकार मुक्त मूलकों के प्रतिस्थापन से भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हमें देखने को मिलेगी, वो है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया जैसे कि नाम से ही पता है, इसमें किसी अणु का या परमाणु का योग होगा, और योग होने के दौरान ये अभिक्रियाएँ योगात्मक अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दो क्रिया कारक अणु एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। असंतृप्त यौगिक इस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। इस अभिक्रिया में एक पाई बंध टूटता है और दो नए सिग्मा बंध का निर्माण होता है, अर्थात एल्कीन या एल्काइन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड युक्त यौगिकों में इस प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। जब डबल बॉन्ड पर कोई क्रियाकारक अणु आक्रमण करता है तो पाई बंध टूटकर दो सिग्मा बंध बनते हैं। इन अभिक्रियाओं को निम्न तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड युक्त यौगिकों का मुख्य अभिलाषणी गुण है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब प्रथम आक्रमणकारी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है तो अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। एल्कीन और एल्काइन पर इस प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं। जब एल्कीन या एल्काइन पर किसी हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन स्नेह योग करता है और एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है इस अभिक्रिया के द्वारा। इसकी क्रियाविधि को जब हम देखते हैं तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जब एल्कीन या एल्काइन पर हाइड्रोजन हैलाइड योग करता है तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन स्नेह यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे धन आयन या H+ आयन सर्वप्रथम डबल बॉन्ड पर आक्रमण करता है और कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। कार्बोकैटायन में भी वो कार्बोकैटायन अधिक बनते हैं जो ज़्यादा स्थायी होते हैं। 1 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा बनते हैं और वो स्थायी होते हैं, और अभिक्रिया के दौरान दूसरे पद में हैलोजन कार्बोकैटायन पर रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। इस दौरान जब हैलोजन हैलाइड का डबल बॉन्ड पर रिएक्शन हो रही है तो हम देखते हैं कि वो किस प्रकार या किस कार्बन पर वो हैलोजन जुड़ेगा। इसके लिए एक नियम दिया गया है जिसे हम मार्कोनी काफ का नियम भी कहते हैं, जिसका अध्ययन हम अन्य अध्याय में भी करेंगे, परंतु इस दौरान आपको इस मार्कोनी काफ के नियम के बारे में भी कुछ जानकारी होनी आवश्यक है। जब भी हम हैलोजन हैलाइड का योग एल्कीन या एल्काइन पर करते हैं तो ये मार्कोनी काफ का नियम लगता है। जब कार्बन कार्बन द्विबंध के किसी भी तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो और किसी भी तरफ हैलोजन उत्पाद जुड़कर यदि एक ही प्रकार का यौगिक बनता है तो ये मार्कोनी काफ का नियम कार्य नहीं करता, परंतु यदि कार्बन कार्बन की तरफ जुड़ने से यदि भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं तो मार्कोनी काफ का नियम काम करता है। ये नियम असममित एल्कीन या एल्काइन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग के दौरान हमें देखने को मिलता है, और हाइड्रोजन हैलाइड के योग के द्वारा यदि दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं तो मार्कोनी काफ का नियम कार्य करता है। जब असममित एल्कीन या एल्काइनों में हाइड्रोजन परमाणु कौन से कार्बन पर जुड़ेगा, मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार जब हाइड्रोजन हैलाइड का किसी असममित एल्कीन पर योग होता है तो उसका ऋण विद्युतीय भाग उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है
जिस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अर्थात सर्वप्रथम हाइड्रोजन H+ आयन असममित एल्कीन पर उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। यदि हम इस उदाहरण को देखें तो हम देखते हैं कि ये 1 डिग्री प्रोपीन है और 1 डिग्री प्रोपीन में 1 और 2 डिग्री कार्बन के अंदर 1 और 2 डिग्री नंबर के जो कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और 1 कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है जबकि दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है। तो जब सर्वप्रथम H+ आयन यदि जुड़ता है तो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, अर्थात ये 1 नंबर कार्बन पर जुड़कर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्कोनी-काफ का नियम काम करता है और मार्कोनी-काफ के नियम के द्वारा बनने वाले जो कार्बोकेटाइन वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। यदि हम इसी मार्कोनी-काफ के नियम का और अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि यदि अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में होती है तो परोक्साइड के द्वारा इस नियम का बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसे हम एंटी मार्कोनी-काफ का नियम या विपरीत मार्कोनी-काफ का नियम भी कहते हैं। इसे परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। पर परोक्साइड के कारण हेलोजन उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है और यह अभिक्रिया मुक्त मूलक रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है, जिसका अध्ययन हम अपने अन्य अध्याय में भी करेंगे और उस दौरान आपको इन दोनों नियमों की पूर्ण जानकारी आपके द्वारा को उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरी प्रकार की जो योगात्मक अभिक्रिया है वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाम से पता है नाभिक स्नेही, यानी कि जो नाभिक के प्रति स्नेह रखे यानी ऋण आवेशित हो उसका योग हो, तो ऐसी प्रकार की अभिक्रियाएँ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जब प्रथम आक्रमणकारी स्पीशीज नाभिक स्नेही होता है तो अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन या साइनाइड युक्त यौगिकों पर संपन्न होती है। जब कार्बोनिल कंपाउंड पर किसी न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है तो कार्बन डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिस्थापन होता है और इससे सर्वप्रथम नाभिक स्नेही कार्बोकेटाइन पर जुड़ जाता है और अंत में उत्पाद का निर्माण होता है। यह अभिक्रियाएं मुख्य रूप से कार्बोनिल कंपाउंड पर होती हैं। यदि हम एसिटाल्डिहाइड पर HCN की रिएक्शन करें तो सर्वप्रथम साइनाइड आक्रमण करता है और साइनोहाइड्रिन बनता है। इसी प्रकार सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करने पर भी 1-hydroxyethyl सोडियम सल्फाइड बनता है। तीसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है वो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, जब आक्रमणकारी स्पीशीज मुक्त मूलक होती है तो अभिक्रिया मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया परोक्साइड की उपस्थिति में होती है और यह एल्कीन और एल्काइन पर जब HBr का योग या हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होता है तो हमें ये देखने को मिलती है। HBr परोक्साइड की उपस्थिति में मुक्त मूलक बनाते हैं और सर्वप्रथम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में भी बंध टूटकर मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इसके दौरान परोक्साइड बंध टूटकर मुक्त मूलक बनाते हैं और परोक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करते हैं मुक्त मूलक, तो हमें ब्रोमीन मुक्त मूलक या प्रारंभिक पग बनता है जो कि अभिक्रिया को प्रारंभ करता है और ब्रोमीन मुक्त मूलक डबल बॉन्ड पर आक्रमण करके अधिक स्थायी मुक्त मूलक बनाता है और अधिक स्थायी मुक्त मूलक पुनः HBr के साथ क्रिया करके उत्पाद में बन परिवर्तित हो जाता है और अंत में मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके श्रृंखला को समाप्त कर देते हैं।
इस प्रकार की अभिक्रिया के दौरान हमें मार्कोनी काफ के रूल के विपरीत उत्पाद प्राप्त होते हैं। अतः इस प्रकार की अभिक्रियाएं विपरीत मार्कोनी काफ का नियम या परोक्साइड नियम या खराश प्रभाव भी कहलाता है। तीसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है वह है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन या एलिमिनेशन रिएक्शन इस अभिक्रिया जिसमें दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से दो परमाणुओं या समूहों का विलोपन हो जाता है और इस प्रकार की अभिक्रियाएं विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया युगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत होती है क्योंकि इसमें दो सिग्मा बंध टूटते हैं और एक पाई बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार इसमें पाई बंध के निर्माण के आधार पर असंतृप्त कार्बनिक पदार्थ या यौगिक बनते हैं, जबकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पर दो भिन्न भिन्न परमाणु या दो समान परमाणु विलोपित होते हैं और एक डबल बॉन्ड या पाई बंध का निर्माण होता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलती। जब डाइक्लोरो एथेन पर जिंक डस्ट की क्रिया कराई जाती है तो एथीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार एल्कोहली केएच की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड पर क्रिया कराने से एथीन बनती है और HX का विलोपन होता है। इसी प्रकार सांद्र H2SO4 की क्रिया जब एल्कोहल से कराते हैं तो जल के अणु का विलोपन होने के बाद इस प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। वी हाइड्रोहैलोजनीकरण की जो अभिक्रिया जिसमें एल्कोहली केएच का से हम एथीन बनाते हैं तो ये अभिक्रियाएं भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विअणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया या E1 अभिक्रिया, इस क्रिया विधि में अभिक्रिया कार्बोकेटाइन के द्वारा दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद मंद तथा वेग निर्धारण पद होता है जिसमें एल्किल हैलाइड का अणु आयनित होकर कार्बोकेटाइन बनाता है, जबकि दूसरा पद तीव्र और वेग अनिर्धारण पद होता है जिसमें प्रथम पद में बना कार्बोकेटाइन एक प्रोटॉन खोकर उदासीन असंतृप्त अणु में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार यह अभिक्रिया जिसमें एक ही अणु अभिक्रिया में भाग लेता है, एक अणु E1 अभिक्रिया द्वारा एथिन ब्रोमाइड से दो पदों में एथिन का निर्माण होता है, जबकि द्विअणु या बायोमोलिकुलर प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि एक पद में संपन्न होती है, इस पद में ध्रुवित एल्किल हैलाइड अणु पर नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है और एक अस्थायी अवस्था बनती है और असंतृप्त अणु का निर्माण होता है और इस कारण इसमें चूंकि दो अणु भाग लेते हैं इसे E2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहलाता है। एल्कोहलों का निर्जल या निर्जलीकरण जो कि हमें इन अभिक्रियाओं में देखने को मिलता है, जब हम सांद्र H2SO4 से एल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो हमें एथीन प्राप्त होता है। इस प्रकार ये अभिक्रियाएं संपन्न होती। तीसरी प्रकार की अभिक्रिया है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया एक नई प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें नाम से ही पता लग रहा है कि एक परमाणु या समूह का पुनर्विन्यास होकर अपने स्थान से परिवर्तित होकर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु पुनर्विन्यासित होकर अधिक स्थायी उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन में एक क्रियाकारक समूह बेंजीन रिंग पर दूसरे स्थान पर चला जाता है और अधिक स्थायी उत्पाद पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार एथिल बेंजीन में रिएक्शन कराने पर ऑर्थोजाइलीन उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिक्रियाएं जिसमें मध्यवर्ती अणु पुनर्विन्यासित होता है, इस पुनर्विन्यासित अभिक्रियाओं में क्रियाकारक अणु से उत्पाद अणु बनने में न कोई परमाणु निकलता है
और न ही कोई परमाणु जुड़ता है। केवल क्रियाकारक अणु के परमाणु अपनी स्थिति बदलकर उत्पाद में बना लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया पुनर्विन्यास अभिक्रिया या रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का निर्धारण करने के लिए निम्न प्रकार से हम अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का निर्धारण कर सकते हैं। उसमें सर्वप्रथम उत्पाद, पहली विधि है उत्पाद के विश्लेषण के द्वारा। यदि अभिक्रियाओं के दौरान यदि हम उत्पाद का विश्लेषण करें तो उत्पाद के विश्लेषण के आधार पर हम उसकी क्रियाविधि का अध्ययन कर सकते हैं। इस विधि में बनने वाले उत्पाद का विश्लेषण किया जाता है और यदि पुनर्विन्यासित उत्पाद प्राप्त होते हैं तो क्रियाविधि में इस पुनर्विन्यासितता को प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि सभी क्रियाओं में देखने को मिलता है। यदि हम एल्किल हैलाइड की क्रिया एक्वस केओस से कराएं तो हम पाते हैं कि टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बनता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि के दौरान सर्वप्रथम एक्वस केएच की उपस्थिति में क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर पृथक हो जाता है और एक कार्बोकैटायन बनता है। क्योंकि कार्बोकैटायन अस्थायी होता है और वह पुनर्विन्यासित होकर स्थायी कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में 1 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री या मोर स्थायी कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो रहा है। अतः जो उत्पाद प्राप्त होता है वो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन प्राप्त होता है, जो कि OH से रिएक्शन करके टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे प्रकार के जो क्रियाविधि ज्ञात करने की विधि है वो है मध्यवर्ती के विश्लेषण द्वारा। इस विधि में अभिक्रिया में बनने वाले मध्यवर्ती को रासायनिक अभिक्रिया से पृथक कर लेते हैं और इस मध्यवर्ती की पहचान कर लेते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि इस प्रकार की से लिखते हैं कि इसमें मध्यवर्ती का निर्माण हो। उदाहरण के लिए जब हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को देखते हैं तो इसमें नाइट्रीन मध्यवर्ती बनती है। अतः इस अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार से है। जब हाफमैन ब्रोमाइड के दौरान एसिडेमाइड की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं किसी क्षार की उपस्थिति में, तो हम देखते हैं कि इसमें सर्वप्रथम HBr बाहर निकलता है और अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और हेलोजन नाइट्रोजन परमाणु के साथ बंध बना लेता है और क्षार की उपस्थिति में यह नाइट्रीन मध्यवर्ती में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रीन मध्यवर्ती पुनर्विन्यासित होकर एल्किल आइसोसाइनाइड बनाती है और जो कि जल की उपस्थिति में प्राथमिक एमीन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार नाइट्रीन मध्यवर्ती बनने से इस अभिक्रिया की क्रियाविधि का पता लगाया जा सकता है। अन्य प्रकार की जो अभिक्रिया जिसके माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का पता लगाते हैं वो है त्रिविम्ब रासायनिक विधि। इस विधि में बनने वाले उत्पाद का त्रिविम्ब रासायनिक अध्ययन करते हैं और जब उत्पाद के रूप में रासायनिक मिश्रण प्राप्त होते हैं तो मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन बनता है। अतः अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है क्योंकि उसमें रासायनिक मिश्रण बनते हैं। परंतु बनने वाले उत्पाद के विन्यास परिवर्तित हो जाए तो संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है और अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है और अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। यदि अभिक्रिया के दौरान बनने वाला कार्बोकैटायन उत्पाद में परिवर्तित होने पर रासायनिक मिश्रण बनाता है तो अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया द्वारा होती है और यदि उत्पाद में बनने वाला कार्बोकैटायन या अभिकर्मक संक्रमण अवस्था बनाता है और उत्पाद केवल एक प्राप्त होता है, उसमें भी उत्पाद में भी यदि उसका उत्पाद का विन्यास परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। फोर्थ प्रकार की जो अभिक्रिया जिसके द्वारा हम क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं वो रासायनिक बल गति के आधार पर है। इस विधि में रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण ज्ञात कर लेते हैं और इस समीकरण के आधार पर क्रियाविधि का निर्धारण करते हैं। जब अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है तो अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें एक क्रियाकारक की मात्रा पर ही अभिक्रिया का वेग निर्धारण होता है। परंतु जब अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही व एल्किल हैलाइड दोनों पर की सांद्रताओं पर निर्भर करता है तो अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है।
अंतिम या पांचवी प्रकार की जो है अभिक्रिया क्रियाविधि का निर्धारण करने की विधि वह है समस्थानिक प्रभाव द्वारा। इस विधि में क्रियाकारक के किसी परमाणु के स्थान पर समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। समस्थानिक की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है अतः अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया उस बंध रासायनिक जब समस्थानिक उस बंध से जुड़ा होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान टूटता है तो अभिक्रिया के वेग में कमी आ जाती है और इस प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। परंतु जब समस्थानिक किसी और बंध से जुड़ता है और वेग कमी आती है तो इसे द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। यदि हम किसी समस्थानिक अणु वाले यौगिक पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराएं तो हम देखते हैं कि समस्थानिक को यदि हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो बनने वाला जो प्रभाव है वो प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव कहलाता है। और यदि वह समस्थानिक को प्रभावित किए हुए दूसरे परमाणु पर जुड़ जाए तो इसे द्वितीयक समस्थानिक कहते हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि को उसके रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम के आधार पर भी स्पष्ट कर सकते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऊर्जा और अभिक्रिया के पथ के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो प्राप्त होने वाले वक्र अभिक्रिया रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम कहलाता है। जब उत्पाद की ऊर्जा क्रियाकारक से कम होती है तो अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। परंतु जब क्रियाकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से कम होती है तो अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है और अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस अध्याय के अंतिम बिंदु पर हम किसी अभिक्रिया के दौरान बनने वाले या अभिक्रिया में भाग लेने वाले या किसी यौगिक के औपचारिक या निम्निष्ट आवेश की भी गणना करते हैं। किसी अणु का प्रत्येक परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन अवरोध द्वारा घिरा होता है। इस इलेक्ट्रॉन अणु में यदि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का योग होता है तो उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर आंशिक धनावेश आ जाता है। यह आवेश औपचारिक आवेश कहलाता है। किसी अणु या आयन के समस्त परमाणुओं के फॉर्मल आवेश का योग उस अणु अथवा आयन में विद्यमान कुल आवेश के बराबर होता है। यदि हम उसके फॉर्मल आवेश का अध्ययन करें या उसको निकालें तो फॉर्मल आवेश उस उदासीन परमाणु के संयोजकता कोष में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से उस परमाणु पर उपस्थित अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उन अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कितने परमाणु अन्य परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए उनकी संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ देखें कि नाइट्रोजन परमाणु पर 4 सिग्मा बंध द्वारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के लिए संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन एक विद्यमान है। इस पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। अबंधी इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है। सहसंयोजी बंध इसमें 4 जुड़े हुए हैं। तो फॉर्मल आवेश के सिद्धांत के आधार पर नाइट्रोजन पर +1 चार्ज अर्थात NH4 स्पीशीज लिखी जाएगी। इस प्रकार हम किसी भी परमाणु के फॉर्मल चार्ज का निर्धारण कर सकते हैं।